अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस जो अनाउंस हुआ है उसके फॉर्म फिलिंग के ऊपर है कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट उस फॉर्म फिलिंग के और स्लिप वगैरह चेक करने का तरीका। एक सिंपल सा फॉर्म है तो उसको फिल करने का मैं आप लोगों को यहाँ प्रोसीजर जो है ना वो बताऊँगा। तो सबसे पहले जो है ना आप लोगों को कोर्स आउटलाइन की जो वीडियो है ना वो ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने शॉर्ट्स ही कोशिश की है बनाई है ताकि जो है ना ज़्यादा जो है लंबी ना हो और सिंपल सिंपल जो है ना आप लोग सारा जो है वो एक लोगों को एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना मैं स्टार्ट कर लेते हैं joinpakistanarmy.government.pk। इस वेबसाइट जो है देख लें www.joinpakistanarmy.gov.pk। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आर्मी की। सारे कोर्सेज जो हैं आर्मी के वो इस वेबसाइट के ऊपर ही अनाउंस होते हैं या जितने भी कोर्सेज़ की रजिस्ट्रेशन होती है वो इसी वेबसाइट के ऊपर होती है। ठीक है, तो इस वेबसाइट के ऊपर जो है ना आज हम लोगों ने जो है वो सारा करना है। तो फॉर्म वगैरह और बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जो है ना वो अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग जो हैं इसके ऊपर डिस्कस करें। सही है, चलें। तो सबसे पहले आ जाएँ आप लोग, स्क्रॉल डाउन करें। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करें। मोबाइल पे भी इसी तरह की ऑलमोस्ट होती है। तो मेन पेज पे आपके तीन ऑप्शंस जो है ना वो नज़र आएंगे। ठीक है, और तीन ऑप्शंस में से जो है जो थर्ड आपने आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस का देखना है तो थर्ड ऑप्शन आप लोगों को AFNS का नज़र आएगा। तो अपने रजिस्टर तीन है, तीन में जो है आपने जो है वो क्लिक हेयर जो है आप लोगों को ऑप्शन शो हो रहा होगा तो रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर वाले के ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ भी कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स दो हैं, ठीक है, जो पहला वाला AFNS BSc नर्सिंग है ये FSC वाली लड़कियों के लिए और दूसरा वाला जो ट्रेंड नर्स है वो BSc जिन्होंने नर्सिंग की डिग्री की हुई है, नर्सिंग का 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए। ठीक है, तो BSc नर्सिंग वाला कर लें या ट्रेंड नर्स कर लें, जो भी आप लोगों का है। अगर FSC वाली हैं तो BSc नर्सिंग, अगर BSc नर्सिंग आपकी ऑलरेडी हो गई है तो ट्रेंड नर्स। तो मैं ये FSC वाली लड़कियों के लिए फॉर्म है तो सेम इसी तरह ही जो है ना सबका ही होगा। तो हम BSc नर्सिंग सेलेक्ट करते हैं, टेस्टिंग सेंटर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप लोगों ने अपना नेम जो है वो लिख लेना है। नेम के बाद आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, नेम जो है सेलेक्ट कर लिया, दो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। अब आप लोगों ने अपना जो है ना वो यहाँ कैंडिडेट CNIC फॉर्म जो कह रहे अपना आपका CNIC नंबर है वो आपने जो है ना वो यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ विद ये नीचे फॉर्मेट लिखा हुआ है तो फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप लोगों ने आपने फॉलो करते हुए लिखना है। ठीक है, तो वेरीफाई सेम वही CNIC जो आपने अपना यहाँ लिखा है उसको ध्यान से कोशिश करें। इसकी जो है ना एक पिक्चर जो है जब आप CNIC फिल कर रहे हो ना तो इसकी जो है ना एक पिक्चर जो है वो आप लोग लाजमी लेके रख लें ताकि, क्योंकि यही जो है ना गार्डियन CNIC और ये चीज़ें जो है ना आप लोगों की आगे काम आएंगी जब आप लोगों ने स्लिप चेक करनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वो ये फॉर्म वगैरह की जो है हमने CNIC डाला। अब फादर नेम लिखना है, फादर नेम हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब फादर गार्डी फादर का CNIC अब आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, फादर का CNIC लिख लिया। फादर का CNIC लिख लिया, फादर के CNIC के भी आप ले लें क्योंकि फादर और गार्डियन का CNIC जो है ना वो मस्ट होता है आपकी स्लिप चेक करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने अपने फादर का प्रोफेशन सेलेक्ट करना है। अगर आर्मी आर्म फोर्सेज से रिलेटेड है तो आर्म फोर्सेज से रिलेटेड लिखेंगे, अगर नहीं है तो प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या बिजनेसमैन, ये इस करके आप लोग सेपरेट करेंगे। ठीक है, फादर का प्रोफेशन लिख लेना है तो क्या लिखेंगे, प्रोफेशन कोई भी लिख लें। ठीक है, डॉक्टर, उसके बाद ये चीज़ें छोड़ दें। अगर आपके आर्मी नेवी एयरफोर्स से फादर नहीं है तो ये इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, इनको छोड़ दें। ठीक है, फादर स्टेटस, अगर फादर की डेथ हो गई है तो गार्डियन आपका भाई भी हो सकता है या आपकी मदर भी हो सकती हैं, तो आपने फिर गार्डियन CNIC में जो है ना वो लिखना है। लाइक अगर अपने मदर को गार्डियन समझना है तो यहाँ गार्डियन CNIC में मदर का ही जो है वो CNIC लिखना है।
ठीक है, अगर फादर का ली है, भाई को लिखना है तो भाई का CNIC गार्डियन CNIC में लिखेंगे। ठीक है, फादर स्टेटस अलाइव है, उसके बाद फादर इनकम। देखिए मैं यहाँ इसको डिसीज कर दूंगा ना, तो फिर जो है मेरा गार्डियन CNIC जो भी होगा वही मेरा जो है वो यूज़ होगा स्लिप के वक्त। फादर इनकम जो है वो सेलेक्ट कर लें, उसके बाद मदर की जो है वो इनकम, मदर नेम लिख लें। ठीक है, मदर की, मदर का नेम लिख लें, मदर का CNIC नंबर लिख लें, मदर के CNIC नंबर के बाद मदर के CNIC के बाद मदर का प्रोफेशन लिखें, और मदर का प्रोफेशन लिख लें, यहाँ भी हाउसवाइफ ही लिख लें अगर हाउसवाइफ है। ठीक है, उसके बाद जो है वो मदर का रैंक, और ये चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। मदर का स्टेटस लिखें, मदर की इनकम लिखें, फादर की एजुकेशन आप लोगों ने यहाँ सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद मदर की एजुकेशन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद सिबलिंग्स कितने हैं आपके वो लिखने हैं। ठीक है, टोटल फैमिली इनकम लिखनी है, डोमिसाइल आपका कहाँ का है वो लिखना है। ठीक है, डोमिसाइल आपका लेट सपोज कसूर का है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का आपने लिखना है अपना। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपने लिख लिया, उसके बाद आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। पोस्टल कोड आपने जो भी आपका एरिया ना, जैसे आपने आपका एरिया लाहौर है तो आपने गूगल कर लेना है लाहौर पोस्टल कोड। ठीक है, गूगल करेंगे तो पोस्टल कोड्स की लिस्ट आ जाएगी, जो इसको ज़रा लिस्ट ऑफ पोस्ट डिटेल से देखेंगे आप तो आपको जो है ना एक लिस्ट नज़र आएगी। ठीक है, बाटापुर, CMA, कैंट और ये सारा जो है ना, यहाँ से आपने अपना कॉपी करना है और या यहाँ आपने लिख देना है। ठीक है, उसके बाद तहसील आपने सेलेक्ट करनी है अपनी, उसके बाद एड्रेस जो है वो लिखना है। सही है, उसके बाद फिर आपने जो है परमानेंट एड्रेस आपने लिखना है। उसके बाद आपने अपना जेंडर, फीमेल अनमैरिड लिखना है आप लोगों ने, तो यहाँ जो है वो तीन ऑप्शन जो है वो आपको शो हो रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपने लिख देना है। ठीक है, तो उसके बाद मुस्लिम सेक्ट आपने लिखना है। ठीक है, और कास्ट आप अपने लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर आप लोगों ने एक लिख देना है अपना। ठीक है, और ईमेल एड्रेस आप लिखें। और फिर जो है लास्ट में आप लोगों ने अपना अपीयरेंस, क्या अपीयरेंस जो है वो फ्रेश ही होता है सबका। ठीक है, अब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो आपकी ये जिसके ऊपर रेड कलर के स्टार्स बने हुए हैं या स्टेरिक कह लें, तो इन चीज़ों को, इन फॉर्म्स को फिल करना, मतलब इन इन स्लॉट्स को फिल करना मस्ट है। जिनके आगे रेड स्टेरिक नहीं बने हुए, जैसे अब आर्म फोर्सेस या जैसे रैंक, फादर रैंक के ऊपर नहीं बना हुआ, ठीक है, मदर रैंक के ऊपर नहीं बना हुआ, जिनके ऊपर ये रेड स्टार नहीं बने हुए ना, तो वो मस्ट नहीं है फॉर्म फिल करना। ठीक है, उसके बाद अपने एजुकेशन डिटेल पे आ जाएं, मैट्रिक लिखें, मैट्रिक का स्टेटस बताएं, रोल नंबर लिखें, उसके बाद पासिंग ईयर लिखें अपना जो है, जो भी आपका पासिंग ईयर है, ऑब्टेंड मार्क्स लिखें सबसे पहले। ठीक है, 990। ठीक है, टोटल मार्क्स लिखें, और उसके बाद आप लोग जो है उसकी परसेंटेज लिख दें। ठीक है, और स्कूल लिखें, स्कूल के अंदर इलीगल करेक्टर का इशू आ रहा होता है, एड्रेस में भी इलीगल इलीगल करेक्टर का इशू आ रहा होता है, ईमेल में इलीगल करेक्टर का इशू आ रहा होता है, तो ये जो डॉट होता है, ये स्लैश होता है, कॉमा होता है, इस तरह के जो चीज़ें हैं ना वो इलीगल करेक्टर होते हैं। तो आप लोगों ने अगर स्कूल का नाम है तो सिंपल लिखना है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्कूल लाहौर। ठीक है, कोई कॉमा नहीं, कोई स्लैश नहीं, कोई डैश नहीं। ठीक है, सिंपल सिंपल लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट आपने FSC कंप्लीट की है या फर्स्ट ईयर की बेस पे होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करना है तो उसको सेलेक्ट करें। अगर फर्स्ट ईयर की बेस पे करेंगे तो फर्स्ट ईयर के मार्क्स लिखेंगे, अगर कंप्लीट है तो आपका जो है ना वो कंप्लीट FSC के मार्क्स होंगे। फर्स्ट ईयर के मार्क्स ऑब्टेंड लिखेंगे, फिर फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स होप सर्टिफिकेट वाले। ठीक है, और जिनका दूसरी तरह है वो आप FSC के ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो FSC कंप्लीट का किया फॉर्म, तो 1100 मार्क्स परसेंटेज। ठीक है, 90 स्कूल इंस्टीट्यूट से, सेम इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। सही है, और आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है,
अच्छा बोर्ड का ही है। अच्छा अब यहाँ ना जो बीएससी नर्सिंग है इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तो आपका जो है वो आप इसे एफएससी बेस पे अप्लाई करें तो इसको ना छेड़ें, ठीक है। आप जो है डायरेक्ट आई हेयर बाय पे क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें और फॉर्म सबमिट कर दें। और अगर आप ट्रेन नर्स के लिए अप्लाई करें तो अपना जो है ये सारा आपने फॉर्म फिल करना है। मार्क्स सिस्टम है तो मार्क्स लिखेंगे, परसेंटेज सीजीपीए छोड़ देंगे, लेकिन अगर सीजीपीए है तो मार्क्स वगैरह छोड़ देंगे, सिर्फ सीजीपीए आप लोग फिल करके जो है ना यूनिवर्सिटी नेम और इंस्टीट्यूट नेम लिख के कर देंगे। अगर एक्सपीरियंस है तो नीचे आप जो है वो एक्सपीरियंस का भी जो है वो फॉर्म फिल करेंगे। अब यहाँ लैंग्वेज भी जो प्रोफेशनसी है इसके ऊपर आप लोगों को पता है कि रेड स्टेरिक है तो इसको फिल कर ले इंग्लिश। और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ लाइक कोई डिबेटर है कोई नहीं है या नन ऑफ एंड आप इसको जो है वो एनी थिंग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है इस तरह करके आपने अपना फॉर्म फिल कर देना है। और यहाँ आपने जो है अपना ये इमोजी लिखना है T8E कैपिटल ई, उसके बाद बी, उसके बाद एन, उसके बाद जे, इस ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने अपना जो है वो ये लिख लेना। अगर आपको चेंज करना है तो इसको रिफ़्रेश करेंगे तो न्यू न्यू इमेज आ जाएगी। तो T8EEBNG हमारा था तो हम लोगों ने इसको किया। तो ओवरऑल हम लोगों ने अभी मैं रिव्यू नहीं कर रहा, अगर कोई फॉर्म में मिस्टेक होगी तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, कोई सामने आ जाएगी इशू, तो हमने किया तो यहाँ हमारा इशू आ गया, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है पोस्टल कोड में इलीगल करेक्टर है और फ़ोन नंबर जो है उसमें इलीगल करेक्टर है, ठीक है। अब हम सीधा जाएंगे पोस्टल कोड के ऊपर, ये जो हाईलाइट हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ हम आ गए, ठीक है। तो यहाँ हमने जो है अपना अपना पोस्टल कोड सही किया, सही है। उसके बाद यहाँ हम लोग करेंगे अपना नंबर सही कर लेंगे, ठीक है। ठीक है अपना नंबर हमने सही किया तो अब दोबारा हम लोग अपना सबमिट की तरफ आते हैं। और हमारा जो रजिस्टर हो गई है हमें आईडी ये हुई है, इस आईडी का आप लोग जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जब आप लोग फिल करें, ये मैंने फिल किया है इस फॉर्म को जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं आप लोगों ने भी ऐसे फिल करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसकी ये जो आपके पास एप्लीकेंट आईडी है इसका आपके पास आपको प्रूफ होगा कि आपने अपना फॉर्म फिल किया है, ठीक है। तो अब उसके बाद आप लोग बैक जाएँ, ठीक है, मेन मेन्यू पे होम पे चले जाएं या जिस तरह भी है। तो उसके बाद आप लोग यहाँ आएं और एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर आएं। एग्ज़ाम स्लिप चेक करने के लिए आपने जो अपना CNIC दिया था और अपना फादर CNIC दिया था, गार्डियन CNIC या फादर CNIC, वो जो है ना वो आपने लिखना है, ठीक है। मैंने जो आप यहाँ एक फेक सा जो दिया था वो मैं आप लोगों को यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि मेरा जो है क्या स्टेटस है, रैदर के हमारी जो है फॉर्म अवेलेबल है या क्या इशू है, ठीक है, ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर हो जाए। फॉर्म बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें कोई चीज़ अटैचमेंट नहीं है, कुछ भी चीज़ इस तरह की नहीं है जो मुश्किल हो, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने फिल करना है और उसको सबमिट कर देना है, फिल बस ध्यान से करना है, ठीक है। CNIC वगैरह बिल्कुल करेक्ट लिखना है ताकि आप लोगों के पास आप लोगों की स्लिप जो है वो आप लोगों को इशू हो जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ अपना अकाउंट भी कोड लिखना है, इसको रिफ़्रेश करके हम चेंज भी कर सकते हैं लेकिन मुझे यही आसान लगा है तो मैंने इस वजह से इसी को ही चूज़ किया है, ठीक हो गया, सही है। अब हम लोग अपने स्टेटस देखते हैं और ये देखें मैंने जो फॉर्म फिल किया था उसका जो है अभी पेंडिंग स्टेटस आ रहा है। ऑलमोस्ट जब रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने वाली होगी ना जून के 30 जून से के बाद या 30 जून के आसपास, तो यहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन स्टेटस अगर अप्रूव हुआ तो आपको डेट और टाइम इशू हुआ होगा, अगर रिजेक्ट हुआ किसी बेस पे तो आपके रिजेक्शन का इशू आया हुआ होगा, मतलब नोट आया हुआ होगा। तो फॉर्म ये सिंपल सा इस तरह फिल करना है, बिल्कुल सिंपल सा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बाकी फर्दर कोई क्वेश्चन की रही हो तो आप पूछिएगा, इसका कोर्स आउटलाइन की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो जो मैंने डिस्कस की हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।